Hello children, today we are going to read a little fish story. It is unit 4th of class 3rd. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. लाखों मछलियां होती हैं समुंदर में, लेकिन ये जो स्टोरी है उनमें से एक की है और ये एक वेरी स्मॉल वन एट दैट, उसमें से बहुत छोटी मछली उसकी स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. कंटेंटेड मतलब वह संतुष्ट रहने के लिए, संतुष्ट यानी कि हैप्पी रहने के लिए जो भी चाहिए वो सब इस लिटिल फिश के पास था. कहाँ? समुंदर में. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था. You will laugh when I tell you why he was not. आप हंसोगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है. He was unhappy because he was so very small. वो इसलिए दुखी था क्योंकि बहुत छोटा था. It is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again. और वो बार बार, over and over मैंने बार बार क्या कहता था कि छोटा होना बहुत मुश्किल है. If I were only larger, how much happier I could be. वो कहता अगर मैं larger, अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. And he said it so many times that I think he believed it. और ऐसा उसने इतने बार कहा कि मुझे लगा वो इस पे विश्वास करने लग गया. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt. अब एक दिन वो स्विमिंग कर रहा था रेस्ट ऑफ स्कूल, मैंने स्कूल के दोस्तों के साथ, कहाँ पे? स्कूल में और लोगों के साथ स्विमिंग कर रहा था. नो डाउट, कोई शक नहीं. हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर. उसने कहा जो बड़ी मछली होती है वो अपने लिए कितना थैंकफुल होती है, ऐसा वो सोच रहा था. ठीक है. फॉर देन, तभी ही वेन सडनली, तभी सडनली मैंने अचानक, विथ नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मेशेस ऑफ अ ग्रेट नेट. तभी कोई भी वार्निंग, कोई चेतावनी नहीं हुई और उन्होंने अपने को कहाँ पाया? मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट, एक बहुत बड़े जाल, मैशेस मना तो बड़ा जाल, उसके अंदर पाया. देर वॉज मच फाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एट द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वॉटर इन टू द सनलाइट. अब नेट को पानी से ऊपर खींचा जा रहा था ना, तो उसको ऊपर खींचने में जो थी बहुत ही फाउंडरिंग मैंने वहाँ तड़पना, वो लोग बहुत तड़प रहे थे. एंड स्प्लैशिंग में छप छप की आवाज़ आना, जब बाहर निकलने के लिए आवाज़ करते ना, ऐसे छप छप की आवाज़ आ रही थी. And just as its hull was being emptied into the boat, अब तभी उनको क्या लगा? हॉल मैंने वह हड़बड़ी, ऐसे लगा हड़बड़ी में कोई emptied into the boat, बोट की तरफ, क्या खाली बोट की तरफ उनको ले जा रहा है. The smallest fish in the school wriggled through the mesh. जो छोटी फिश थी वो रिकल मैंने हुआ कि पंख हिलाना, ऐसे पंख हिलाते ना फिश, ऐसे उसने पंख हिलाए और वो मैश, उसमें से क्या हुआ, मैश से जो जाल था उसमें से वो एंड स्लिप बैक, वो बाहर आ गई, स्लिप मैंने बाहर आ गई, बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर बाहर आ गई. हाउ गुड इट फेल्ट, उसने कहा कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरी वेयर, वो इधर उधर तैरने लगी. देखो फिश है ना कितना खुश हो रही, हैप्पी हो रही है, इधर उधर वो खुश होकर क्या करने की, तैरने लगी. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसको, उसे लगा कि उसकी जीवन जो है बच गया है ना, तो उसने क्या कहा, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ट हिम, से दैट ही विश टू बी एनी थिंग बट अ लिटिल फिश. तो जो उसकी दूसरी फिश थी जो बड़ी थी, वो कहते थे कि हम कभी भी छोटे फिश नहीं बनेंगे. तो ऐसा कहने, ऐसा सुनने के लिए वो क्या हो, कोई था नहीं, ऐसा कहने वाला कोई था नहीं. तो उसने लगा मुझे ऐसा सुनने को कभी नहीं मिलेगा, काश ऐसा होता कि वो सब होते और वो मैं सुन पाती कि देखो तो लिटिल फिश होना कितना अच्छा है. तो ये स्टोरी में है. ओके, इसमें न्यू वर्ड्स आया, मिलियन मैंने होता लाखों, फ्लाउंडरिंग मैंने हुआ तड़पना, मैशेस मैंने हुआ जाल, हॉल मैंने हुआ हड़बड़ी, और कंटेंटेड मैंने संतोष, स्प्लैशिंग मैंने छप छप आवाज़, इंटाइट मैंने खाली, रिगल्ट मैंने होता है जो फिश पंख हिलाती है उसे बोलते हैं रिगल्ट, वार्निंग मैंने हुआ चेतावनी.
ओके, इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, समुद्र में कितनी फिश थी, तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेस इन द सी। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी, वो छोटी फिश क्यों थी अनहैप्पी, बिकॉज द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वॉट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन फिश के साथ क्या हुआ था, द फिश वॉज कॉट इन द मैश ऑफ अ नेट, जाल में फंस गई थी ना। नेक्स्ट है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, उसने क्यों कहा कि मैं छोटी फिश हूँ, मुझे भगवान को थैंकफुल कहा ना उसने जब उस बाद में, तो लिटिल फिश वॉज थैंकफुल टू लिटिल, मतलब उसने फिश को इसलिए थैंकफुल कहा, दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ही वॉज एबल टू स्केप फ्रॉम द नेट। स्केप मैंने भाग जाना, वो नेट से भागने में एबल हुई, नेट से भागने की योग हुई, कब, क्योंकि उसका साइज क्या था, छोटा था। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। आपको ये लेसन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा, और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।